हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, बड़ा फैसला और बड़ी जो पहले वो सरकार ने की है, खास करके बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति जिस तरीके से कई जिलों में बनी हुई है और डीजल अनुदान देने की बात कही गई है, किस तरीके से इसका फायदा बिहार के किसानों को, बिहारवासियों को मिलेगा? देखिए, सूखे की स्थिति काफ़ी गंभीर है, विशेष करके जो दक्षिण बिहार, जो मगध का इलाका है, उसमें जो धान की रोपनी की स्थिति है, कई जिलों में मात्र 10 से 20% ही हो पाई है। क्योंकि ये जो इलाका है, इसमें अक्सर देखा जाता है कि अगर बारिश अच्छी नहीं होती है तो फिर पेयजल भी की भी दिक्कत होती है और किसानों को पटवन के लिए काफ़ी परेशानी होती है। यही वजह है कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। कल मुख्य सचिव ने खुद राज्य के सभी जिलाधिकारी के साथ बैठक की है और ये निर्देश दिया है कि इन इलाके में जो नलकूप हैं, अगर वो खराब हैं तो उसको तुरंत ठीक किया जाए। बिजली की जो है, कम से कम जो इस ये इलाके हैं, सिंचाई वाले इलाके, वहाँ कम से कम 16 घंटे बिजली जरूर कर सिंचाई करें, चाहे बुआई करें। और इसके साथ ही जो वैकल्पिक खेती होती है, यानी कि अगर अभी कुछ दिन और बारिश नहीं होती है और धान की रोपनी नहीं हो पाती है, तो वैकल्पिक फसल कौन कौन सी लगाई जा सकती है, उसके लिए क्या तैयारी है, वो अभी से ही करने का निर्देश दिया गया है। बताते चलें कि दूसरी तरफ जो उत्तर बिहार है, नेपाल की तराई में कई 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और वहाँ से जो है जल ज़्यादा छोड़ा जा रहा है, तो उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति हो सकती है, संभावना ऐसी है। इसको लेकर भी जल संसाधन विभाग ने तैयारी की है, मंत्री ने खुद समीक्षा बैठक की है। तो सरकार दोनों मामलों को लेकर गंभीर है। अब देखना है कि जो आदेश मुख्य सचिव के द्वारा जिलाधिकारी को दिया गया है, जी उसका कितना पालन होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सरकार के द्वारा आदेश दी जाती है लेकिन स्थानीय स्तर पर लापरवाही होती है। हालांकि इस लापरवाही को खत्म करने के लिए मुख्य सचिव ने कहा है कि वो रोज खुद 10 बजे समीक्षा बैठक करेंगे और जहां से भी अगर किसी तरह की कमी आती है तो उस पर निगरानी रखेंगे और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। चलकर जिला प्रशासन अब सुखाड़ से निपटने की तैयारी में जुट गया है। बारिश और सुखाड़ की अद्यतन स्थिति को लेकर सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीएम और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को कहा कि किसानों को कम से कम 16 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा मुख्य सचिव ने 24 घंटे के भीतर आवेदन देने वाले किसानों को डीजल अनुदान का रुपया देने का भी आदेश दिया है, लेकिन डीजल अनुदान का लाभ लेने की प्रक्रिया को जटिल बना दिए जाने के कारण किसानों के लिए पूरे कागजात के साथ आवेदन देना ही मुश्किल साबित हो रहा है। डीजल अनुदान का लाभ के लिए किसानों को डीजल खरीद का डिजिटल कैश मेमो देना होगा। इसके अलावा कृषि भूमि का अद्यतन रसीद के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, खास करके डीजल अनुदान को लेकर के, और बताया गया है कि 24 घंटे में अनुदान की राशि देने का आदेश दिया गया है। अरुण चौरसिया।